निकाय चुनाव की सरगर्मियां अभी थमी भी नहीं कि कॉलेज कैंपस में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। छात्र राजनीति में छात्राएं भी पीछे दिखाई नहीं दे रही। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का आगाज करते हुए एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संगीता मेघवाल, उपाध्यक्ष पूजा कुमावत, महासचिव और सचिव सहित प्रभारी ने कॉलेज से रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और एनएसयूआई के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पैदल रैली के साथ वाहन रैली भी निकाली गई, जो कि सावित्री राजकीय कन्या महाविद्यालय से शुरू होकर बजरंगगढ़ चौराहे, डीएवी कॉलेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान, प्रियंका सोनी, पूजा, गीता, सीमा, मनीषा, करिश्मा, निकिता, सुमन सहित कई छात्राएं मौजूद थी। हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय में सबसे बड़ी यही कमी है कि 1.5 साल से जो जूलॉजी के टीचर नहीं है और कैंटीन की अव्यवस्था है, गार्डन की अव्यवस्था है और क्लासेस एक क्लास दो दो टाइम पर, मतलब दो क्लास एक ही टाइम पर होती है, जो एक क्लास अटेंड करती है दूसरी क्लास से वंचित रह जाती है लड़कियां। इसीलिए हम जो भी हमारे प्रॉब्लम है हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय में, उसको मैं वो राजनीतिक अशुद्धता मौजूद है उसे मैं हटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। हमारे कॉलेज में अच्छा इलेक्शन चल रहा है, इसकी तैयारी बहुत जोरों जोरों से चल रही है। आज हमने रैली निकाली है, रैली मतदान के ऊपर है तथा जो लड़की हमारी अध्यक्ष बनी है उसने भी बहुत मेहनत की है तथा हम सब लड़कियों के घर जाके प्रचार कर रहे हैं तथा सब लड़कियों को अपने साथ इकट्ठा होने की बोल रहे हैं। मतदान में क्या क्या कार्य किए जाते हैं उनके बारे में हम सब लड़कियों को समझा रहे हैं तथा इसमें क्या क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या आज सब लड़कियों से हमने कन्विंस करा है तथा सब लड़कियों से बातें करी, उनको समझाया कि एनओसीआई के बारे में क्या है, एनओसीआई क्या चीज है, किस लिए शुरू हुई थी, इसका मुद्दा पूरा नाम क्या, मतदान कैसे किया जाता है इसके बारे में समझाया। कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई टीम नहीं है। मैं निर्दलीय खड़ी हो रही हूँ अपनी कॉलेज से फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। कन्वेंसिंग क्लासेस में जाके और विद इन ग्रुप, मैंने मेरी 50 की टीम काम कर रही है यहाँ पे, वो सारी ग्रुप में बटी है और आचार संहिता लग चुकी है तो हम अंदर अपने पोस्टर्स वगैरह नहीं छाप सकते हैं, बांट नहीं सकते किसी को। तो वो मेरी बाहर गर्ल्स भी खड़ी होके कन्वेंसिंग करती है सारी गर्ल्स को जो आउट ऑफ अजमेर से आती है, उन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है, बिल्कुल उनकी हेल्प करेंगे उनको लेके आने में, ले जाने में और क्लासेस जाके हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चल रही है।